हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा डिस्क। इस पिज़्ज़ा डिस्क को आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वाली डिश ना छोटी मोटी भूख हो और समय कम हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आप देखेंगे ये कितना अच्छा दिखने में लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक छोटी शिमला मिर्ची को मैंने आधा ही यूज़ किया और ये देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में से काट लिया है। अब बारी है चीज़ की, तो मैंने मोज़रेला चीज़ को भी क्रश करके ले लिया है। तो अब मैं इसे ना एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इन दोनों चीज़ों को। इसमें टमाटर और स्वीट कॉर्न भी आप ले सकते हैं और ये मैं डाल रही हूँ इसमें मोज़रेला चीज़। थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि चीज़ भी सॉल्टी होते हैं, तो चीज़ ना मुझे इसमें थोड़ा कम लगा तो मैं इसमें और क्रश कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा और चीज़ी लगे हमारा पिज़्ज़ा। तो चीज़ क्रश करने के बाद अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। मिक्स करने के बाद अब मैं एक प्लेट में ले रही हूँ बर्गर बन को। इस तरह मैं इसे रिंग की सहायता से बीच में होल बना लूँगी। आप रिंग अगर ना हो ना तो ग्लास, छोटी ग्लास होती है, छोटी कटोरी होती है, उससे भी आप इसमें होल कर सकते हैं। और होल ना एकदम नीचे तक नहीं करना है, बस इसका आधा ही जाए उस हिसाब से इसे होल करना है। आप देखेंगे मैंने इसे कैसे होल किया, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नीचे तक टिप नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चीज़ हमारे आर पार हो जाएंगे और वो पैन से चिपकेंगे। तो मैंने थोड़ा सा नीचे बेस में रखा हुआ है बर्गर बन को। अब इस चीज़ वाली फिलिंग को ना मैं इसमें बहुत ही अच्छे से फिल करूँगी और इसे थोड़ा प्रेस कर करके करना है ताकि हमारा जो ये डिस्क पिज़्ज़ा है ना ये थोड़ा चीज़ी लगे। तो इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच इस मिश्रण को भरा है। तो बस इस तरह से इसे तैयार कर लेना है। अब मैं सेम तरीके से दूसरा डिस्क भी तैयार कर लूँगी। बस इस तरह से होल करना है और उसमें जो सारे मिश्रण को अच्छे से फिल कर देना है। दोस्तों, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। बेल आइकन जरूर दबा देना है क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैंने दोनों डिश को ना तैयार कर लिया। अब एक पैन मैंने गर्म कर लिया है, पैन में मैंने थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसमें डिश को डालकर ऊपर से हल्का सा तेल ग्रीस कर दूँगी ताकि अच्छी सी एक शाइन आ जाए। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऊपर से ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के इसे कवर करके बस 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने उसे निकाल लिया। अगर आपको 1.5 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना पकाने में तो आप 1 मिनट ही पकाएं। तो सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा भी डिस्क तैयार कर लिया। ये देखिए मेरे दोनों डिस्क तैयार हैं। दोस्तों, आप ये डिस्क वाली रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये दिखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी है। बच्चों को खास करके ये बहुत पसंद आने वाली चीज़ है क्योंकि इस डिश में ना उन्हें बर्गर का लुक मिलेगा और पिज़्ज़ा का स्वाद मिलेगा। तो ये घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। बस एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है, तो इसलिए भी ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, जब मैंने इस डिश को घर पे बनाया ना तो मेरे बच्चों ने इसे काफ़ी पसंद किया। आप भी एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।